Good morning, children. Welcome back to our English grammar class. Now, today we are going to understand a new topic, that is negatives with V3. Negatives कैसे बनाते हैं? And before I start, let me tell you, you are going to enjoy this topic very much क्योंकि आपने previously भी दो chapters में देखे थे कि हम negatives कैसे बनाते हैं. तो you all must be knowing how to make the negatives. So let us start. Has not. अब has not का हमें negative, has not ये तो negative है, लेकिन उसका short form में हमें लिखना है, तो उसका short form बनेगा hasn't. Same way have not. Have not ये भी negative है, लेकिन उसका negative बनेगा haven't. और हमेशा आपको पता है कि V3 के साथ has, have और had होता है. Next had not. तो had not का negative है, उसका short form होगा hadn't. Okay? Now, let us look at the sentences given below. First one is, she has written a letter. She has written a letter. अब समझो कि ये सेंटेंस है, हमें उसका नेगेटिव बनाना है. तो नेगेटिव में हमेशा हमें क्या ऐड करना होता है? Not. तो she has not written a letter. हमने not ऐड कर दिया. Okay? उसके बाद, आप देखो, has not, not हमने लिख दिया, लेकिन अब हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे. तो has not का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? Hasn't. She hasn't written a letter. है ना, बहुत इजी हाउ टू मेक नेगेटिव्स. नेक्स्ट, I have invited my friends. अब ये सेंटेंस है, उसका नेगेटिव बनाना है, तो सिंपल नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना है? Not. तो I have not invited my friends. अब इसका हमें शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव लिखना है, तो शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव क्या होगा? आई हैवंट इनवाइटेड माई फ्रेंड्स. ओके, नेक्स्ट, मीशा हैड ब्रोकन हर डॉल. अब ये सेंटेंस है, मीशा हैड ब्रोकन हर डॉल, उसने अपनी डॉल तोड़ दी. अब मुझे उसका नेगेटिव बनाना है, सो व्हाट विल बी द नेगेटिव? आई विल एड नॉट. मीशा हैड नॉट ब्रोकन हर डॉल. ओके, और इसका शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव होगा, मीशा हैडंट ब्रोकन हर डॉल. है ना, बहुत बहुत इजी. तो इस तरह से हम ये समझ लिए कि सारे सेंटेंसेस के नेगेटिव कैसे बनेंगे. अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन. मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस नेगेटिव, यानी कि जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं उसका आपको नेगेटिव बनाना है. सो नाउ अ फर्स्ट सेंटेंस इज, आई हैव शट द डोर. तब हमें इसका नेगेटिव बनाना है. तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? नॉट. तो हम जब हैव के साथ नेगेटिव ऐड करेंगे तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? हैवेंट. सो आंसर विल बी, आई हैवेंट शट द डोर. ओके, क्लियर. सिर्फ आपको नॉट लगाना है. नेक्स्ट, द टीचर हैज बॉट दिस, सॉरी, द टीचर हैज थॉट दिस लेसन. अब इसका नेगेटिव हमें बनाना है, तो हमें नेगेटिव क्या करना है? नॉट ऐड करना है. तो हैज के साथ हम नॉट ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा हैजंट. सो आंसर विल बी, द टीचर हैजंट थॉट दिस लेसन. ओके, नेक्स्ट, वी हैव लेफ्ट दिस हाउस. वी हैव लेफ्ट दिस हाउस. तो अब हमें क्या ऐड करना है? नॉट. तो हैव के साथ हम नॉट ऐड करेंगे तो उसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा हैवेंट. वी हैवेंट लेफ्ट दिस हाउस. So kids, isn't it interesting how to make negatives? Next is, she had learned her lesson. तो चलो kids, अब answer बताओ क्या होगा answer? हमें negative not add करना है had के साथ. तो had के साथ negative not add करेंगे तो उसका short form बनेगा hadn't. She hadn't learned her lesson. Okay? नेक्स्ट, द प्यून हैज रंग द बेल. अब तक तो आपको समझ में आ ही गया है ना,
तो फटाफट आंसर बताओ. द प्यून आंसर विल बी द प्यून हैजंट रंग द बेल. हमें सिर्फ हैज के पीछे नॉट लगाना है तो उसके बाद शॉर्ट फॉर्म होगा हैजंट. द प्यून हैजंट रंग द बेल. नेक्स्ट इज वी हैव डन आवर वर्क. अगेन व्हाट विल बी द नेगेटिव. नेगेटिव हमें ऐड करना हैव के साथ, हैव नॉट, है ना. तो इसका आंसर होगा वी हैवंट डन आ वर्क. वी हैवंट डन आ वर्क. नेक्स्ट मधु हैज लर्नड हर लेसन. अगेन हमें यहां पर नेगेटिव बनाना है तो हम नेगेटिव नॉट ऐड करेंगे हैज के साथ. तो हमारा शॉर्ट फॉर्म इसका होगा मधु हैजंट लर्नड हर लेसन. सो नेगेटिव मींस आपको नॉट ऐड करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉट कहां पर ऐड होगा. नेक्स्ट मोहन हैड टोल्ड अ लाई. अगेन यू हैव टू ऐड नॉट. तो हम हैड के साथ नॉट ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा मोहन हैडंट टोल्ड अ लाई.